good at it. तो गाइस कैपकट ऐप में ट्रेंडिंग ब्लर इफेक्ट HDR वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले जो है गाइस आपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो ऑलरेडी आपको ये प्ले स्टोर में से मिल जाएगा। ओपन करने के बाद जो है स्क्रीन पर कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है गाइस। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गैलरी शो होगी, तो आपने सिंपल वीडियो सेलेक्ट कर लें और इसे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो है गाइस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको वीडियो समझ आ जाए। आज की वीडियो में आपको फुल ब्लर HDR वीडियो एडिटिंग के बारे में ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि आप ये वीडियो कैपकट ऐप में इजी तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि सैंपल मैंने आपको देखा है। ठीक है गाइस, यहां पर जो आपने सबसे पहले नीचे इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है और वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो है गाइस आप इस तरीके से आगे आ जाएं। आगे आने के बाद जो है कॉमिक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पर आपको B8 स्केच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे अप्लाई कर लें अपनी वीडियो में। ओके करने के बाद जो है गाइस इसे इस तरीके से इंक्रीज कर लें जहाँ तक आपकी वीडियो है। एंडिंग वाला जो वाटर मार्क है गाइस इसे डिलीट कर दें ताकि आपकी वीडियो गाइड में ये ना आए। अब जो है गाइस फर्स्ट पे आपको इस तरीके का ऑप्शन एक्सपोर्ट का देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी वीडियो है गैलरी में आना स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास पहले की वीडियो ये थी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसे बैक कर दूंगा, लेकिन आप इसे कैंसिल नहीं करना। ठीक है गाइस, बैक आने के बाद जो है यहाँ पर हम होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद जो है गाइस आपने क्या करना है, फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है और सिंपल वीडियो सेलेक्ट कर लेना है और इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो है गाइस आपने क्या करना है, फिर से जो है नीचे इफेक्ट पर क्लिक कर देना और वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पर आपने सबसे पहले इसी तरीके से कॉमिक पर आ जाना है। कॉमिक पर आने के बाद जो है गाइस यहाँ पर आपने लास्ट में लिखा है नियॉन, ये ऐड कर लें। ऐड करने के बाद जो है गाइस इसे इंक्रीज कर लें जहाँ तक आपकी वीडियो है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर जो है आपने ट्रेंडिंग पर आ जाना है और बेसिक पर आ जाना है। बेसिक पर आने के बाद ब्लर ऐड कर लें। ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद जो है गाइस ठीक है यहाँ पर इसे भी इंक्रीज कर लें और इस वीडियो को भी एक्सपोर्ट कर लें फर्स्ट के एरो पर क्लिक करने के बाद, तो ये वीडियो भी आपकी गैलरी में आ जाएगी। ठीक है गाइस, अब जो है मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास पहले की वीडियो थी, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है गाइस, आपने इसे कैंसिल नहीं करना। तो बैक आने के बाद जो है गाइस आपने फिर से होम पेज पर आ जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो है सिंपल वीडियो सेलेक्ट कर लें और इसे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो है गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली ओवरले पर क्लिक कर देना है और ऐड ओवरले पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है फर्स्ट हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी इसे यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आपकी वीडियो बहुत ही देखने में अच्छी लगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। अब सप्लाइज पर नीचे जाने के बाद जो है गाइस आपको इस तरीके के ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है अब ओपन होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कलर बर्न, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसकी परसेंटेज आपने 15 एडजस्ट कर लेनी है। फिर जो है नेक्स्ट आपने ऐड ओवरले पर फिर से क्लिक कर देना है और सेकेंड वीडियो सेलेक्ट कर लें। इसे भी आपने इसी तरीके से जो है गाइस यहाँ पर एडजस्ट करके फिट कर देनी है। अब जो सप्लाइज पर जाने के बाद जो है गाइस आपने क्या करना है, इसे हार्ड कर देना है। हार्ड करने के बाद जो आपको कुछ वीडियो इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है फिर से ऐड ओवरले पर क्लिक कर दें। ठीक है गाइस, फिर फोटो पर आ जाएं। ये कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये कलर आपको गूगल से मिल जाएगा। ठीक है गाइस, रेड कलर आपने वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। अब जो यहाँ पर आपने क्या करना है, सप्लाइज पर चले जाना है और इसे ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद जो है गाइस यहाँ पर आपने इसकी जो परसेंटेज रखनी है वो है 10%। इसकी परसेंटेज रख लें और जो है इसे इस तरीके से इंक्रीज कर लें। इंक्रीज करने के बाद जो है गाइस अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसी तरीके से जो है फिर से जो है आपने ऐड ओवरले पर क्लिक कर देना है और वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, इसे भी ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो है फिर से सप्लाइज पर चले जाएं और इसे ओवरले कर दें। ठीक है गाइस, ओवरले करने के बाद जो है आपने इसे भी इंक्रीज कर लेना है जहाँ तक आपकी व्यू है। ठीक है गाइस, अब जो है यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो है गाइस आपने क्या करना है, इफेक्ट पर क्लिक कर देना और वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पर मैं आपको इफेक्ट बता देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है आपने इफेक्ट ऐड कर लेना है स्नो सपोर्ट। तो यहाँ पर जो है गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्नो सपोर्ट, तो यहाँ पर जो है आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइस ये इफेक्ट आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये अप्लाई हो चुका है स्नो वाला, तो आपने जो है इस तरीके से भी इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पर फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है।
और बेसिक पर क्लिक कर देना है। बेसिक पर क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पर आपको कैमरा फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, इसे जो है आपने इसी तरीके से स्पीड और ब्लर जो है आपने इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेना है। इसके जो हमने स्पीड और ब्लर इंक्रीज़ किया तो आपको गाइस वीडियो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर आप ब्लर करना चाहें तो ब्लर कर सकते हैं, अगर आप ब्लर नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको इस तरीके से वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, बहुत ही तरीके से जो है मैंने आपको ये एडिटिंग का ट्यूटोरियल दिया है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो में कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है तो आप ब्लर इफेक्ट ना लगाइएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है ब्लर इफेक्ट थोड़ा सा हमें ठीक तरीके से नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है गाइस, यहाँ पर बहुत ही तरीके से मैंने कैपकट ऐप में आपको सिखाया है, तो इसे भी आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा जहाँ तक आपकी वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो चेंज थी लेकिन सैंपल मैंने जैसा दिखाया है आपको वही एडिटिंग मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है। अगर आप भी इस तरीके की वीडियो क्रिएट करके टिकटॉक पर अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। बाकी एडजस्टमेंट आप खुद कर लीजिएगा अपने मुताबिक। अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो फर्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी गैलरी में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मैं इस तरीके की टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।